गुड मॉर्निंग क्लास, आप सभी अपनी हिंदी की बुक निकालेंगे। चैप्टर नंबर 11, पुत्र को पत्र। सभी लिखेंगे। फिफ्थ क्लास, सभी लिखेंगे पुत्र को पत्र। हमने इसको पढ़ा था कल, इसके कठिन शब्द लिखेंगे, इसके शब्दार्थ लिखे। अब हम उसके मौखिक प्रश्न लिखेंगे। ठीक है क्लास, मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न लिखेंगे, गांधी जी को प्रतिमास कितने पत्र लिखने का अधिकार मिला। सभी लिखेंगे मौखिक प्रश्न। प्रश्न नंबर एक, आंसर लिखेंगे गांधी जी उस वक्त जेल में थे, इसलिए उन्हें प्रतिमास एक ही पत्र लिखने का अधिकार था। सभी लिखेंगे वो ये क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं बताएंगे। ठीक है क्लास, अगर आपको किसी को एक पत्र लिखने का अवसर दिया जाए तो आप किसको पत्र लिखेंगे, ये आप अपने आप आंसर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पत्र और में से आप किसको बेहतर मानते हैं, आंसर लिखेंगे। मैं
ये हमारे मौखिक प्रश्न है फिफ्थ क्लास, सभी लिखेंगे। सभी लिखे आगे हम क्वेश्चन से लिखेंगे, क्या समझा पाठ से, क्या समझा पाठ से, पाठ के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर एक लिखेंगे, यह पत्र किसने और किसे लिखा, यह पत्र किसने और किसे लिखा। आंसर लिखेंगे, यह पत्र महात्मा गांधी अपने पुत्र मणिलाल को लिखा है। गांधी जी ने पत्र में बाघ के बारे में क्या पूछा। आंसर लिखेंगे, गांधी जी ने पत्र में स्वास्थ्य के बारे में पूछा है। प्रश्न नंबर तीन, गांधी जी के अनुसार गांधी जी के अनुसार चरित्र निर्माण और
दूसरी शिक्षा कहलाता है। सभी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सभी लिखेंगे सभी बच्चे साफ और सुंदर राइटिंग में लिखे इसको। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। ये सभी ने लिख लिया कॉपी में। अपनी आत्मा का अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। ये तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं। सभी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सभी ने लिखा
क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, गणित विषय पर छोटी उम्र में क्यों देना चाहिए? आंसर लिखेंगे, छोटी उम्र में संस्कृत और गणित विषयों पर ध्यान देना चाहिए। इन दोनों को बड़ी उम्र में सीखना कठिन होता है। सभी लिखेंगे, फिफ्थ क्लास सभी लिखे, फिफ्थ क्लास। ये है हमारे मौखिक प्रश्न और पाठ सीख कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो पार्ट में थे, वे हमने किए हैं। आप सभी को ये अपनी कॉपी में अच्छे से लिखने हैं, ठीक है क्लास। उससे आगे की एक्सरसाइज हम कल करेंगे। आज आपको ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में अच्छे और साफ सुंदर अक्षरों में लिखने हैं। ओके क्लास, यहाँ तक समझ में आया? थैंक यू क्लास।